बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं यू नो ऑप्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए। क्रीम के पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। अब इंडिया ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें, उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने आपके, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग, ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी पावर में है। कई लोगों का कहना यह भी है कि जय शाह जो इस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, जय शाह को शायद उनके फादर अमित शाह साहब ने और साथ साथ मोदी जी के लोगों ने, खास मोदी जी वगैरह ने भी शायद यही कहा है कि बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी ना रखा जाए और ये यकीनन बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके जरिए जो है वो उनके खिलाड़ी जो है वो अच्छी खासी रकम भी कमाने के काबिल हो जाते थे, जो कि पाकिस्तान को भी ये नुकसान हो रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट पिलर चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो इन दिनों क्रिकेट के दुनिया में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। तो दोस्तों, इस साल के आईपीएल ओकेशन में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। इस फैसले ने क्रिकेट फैंस और मीडिया में खलबली मचा दी है। लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया इसे लेकर अलग ही कहानी बना रही है। उनका कहना है कि भारत अब बांग्लादेश को पनिश करने का नया तरीका ढूंढ रहा है और आईपीएल को इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। जहां एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैचों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इसे एक साजिश के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन क्या ये वाकई साजिश है या फिर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को हालिया परफॉर्मेंस के कारण यह फैसला लिया गया है? पाकिस्तानी मीडिया हमेशा इस बात पर रोना धोना मचा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आईपीएल की टीम हमेशा खिलाड़ियों के प्रदर्शन फिटनेस को प्राथमिकता देती है, शायद यही वजह है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को इस बार कोई जगह नहीं मिली। तो दोस्तों, आपको इस मामले में क्या कहना है? क्या यह एक सामान्य क्रिकेट निर्णय है या फिर कुछ और? तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो को। बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोअर्शन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा। सो इट मींस दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स ऑफ अदर नेशंस। नरेंद्र मोदी वॉन्ट्स टू यूज क्रिकेट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश। के नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश वी शुड पनिश द टर्फ एंड वी शुड पनिश
लुकिंग वेयर वी कैन बेस्ट पनिश देम, कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लव्स तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से। सो दे हैव बिल्ट क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल, जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है, कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया दो अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना अरब डॉलर का, इस सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग। कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग, वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रेटजी लेके आए हैं, क्रिकेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, कोअर्जन के तौर एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ जी हमने पाकिस्तान को दिया था तो हमने ठीक कर दी थी तबीयत पाकिस्तान की, ठीक कर दी थी ना तबीयत पाकिस्तान की, अब बाकी भी ठीक हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। आईपीएल में भी पहले हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब आईपीएल से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने रखना बंद कर दिया है, और उसका मेन रीजन यही है कि भारत के साथ जो टर्म्स हमारे रहे हैं, भारत को जो पाकिस्तान के साथ शिकायतें रही हैं और कई एलिगेशंस जो लगाई गई हैं उनमें से कई तो ऐसी हैं कि जिसे पाकिस्तानी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये गलती पाकिस्तान से हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ तो टर्म्स ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट के लोग हैं या क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको इंडिया में उन्होंने आईपीएल में लेना छोड़ दिया। अब बारी आई है बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि एक बहुत टाइम तक तो कुछ एक दो एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया, बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और अब हुआ यह है कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना, और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे शेख हसीना के साथ कि आप आईपीएल में भी आ रहे थे और बाकी चीजों में भी आ रहे थे, गौतम अडानी भी कुछ नहीं कह रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मजे जो हैं या वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अब रोक दिए जाएंगे। और अब आईपीएल में जैसे कि सभी जानते हैं कि अमित शाह के बेटे, अमित शाह जी के बेटे जो हैं वो जी आईपीएल या क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वही हैं, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जी अब आईपीएल के लिए भी बांग्लादेश की जो टीम है उसको उसमें से किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा जाएगा, यानी कि ये एक काफी बड़ा नुकसान जो है स्ट्रिक्टली जो है वो भारत काम कर रहा है, और भारत इतनी आसानी से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है उसको होता हुआ नहीं देखेगा, और कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को यह एहसास हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को यह एहसास हो कि वो क्या गलत कर रही है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। और यही वजह है कि पहले हमने पाकिस्तान और अब हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ भी तकरीबन वही पॉलिसी जो है वो फॉलो की जा रही है कि जी आप अगर वहां पर रहने वाले बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू फैमिलीज हैं अगर आप उनके साथ गलत करेंगे, अगर आप उन्हें परेशान करेंगे, तंग करेंगे, आप उन्हें तरह तरह से वहां से निकल जाने को कहेंगे या उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो भारत जो है वो वहां पे जो हिंदू मौजूद हैं बांग्लादेश में उनके साथ रहेंगे। अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं यू नो ऑप्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए हैं, करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अला गुजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है,
बाकी राशिद खान है, अगर बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब होंगे। और नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में मिले हैं, मतलब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया। पॉइंट इज के बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है कि पोलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। तो मुझे लगता है कि एक दो प्लेयर हैं जो शायद आ सकते थे, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं है। अब आईपीएल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, अगर पहले साकिब अल हसन खेलते थे अब लगातार उनकी परफॉर्मेंस भी गिर रही है।